सो गाइस, जीरो का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो कि है एम्प्टी, यानी कि नथिंग, खाली। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, वही होता है जीरो। पर क्या आपको पता है कि अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो आपके हाथ में जो अभी फोन जो आप चला रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो वो नहीं होता। आपके हाथ में अभी फोन क्या, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे कोई भी चीज़ आज आपके घर में नहीं होती। और इस जीरो के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो फिर बिना किसी हाई हेलो शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसका टॉपिक है अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता। पुराने ज़माने में जीरो टाइप का कोई नंबर था ही नहीं मैथमेटिक्स में। और पुराने ज़माने के लोगों की एक डिमांड थी कि मैथमेटिक्स में एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो कि नथिंग को रिप्रेजेंट करे, यानी कि कुछ भी नहीं, खाली। और उसके बाद एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने 15 सेंचुरी को इस जीरो नाम के नंबर का आविष्कार किया था। और गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पर आप सबको ये नहीं पता कि जीरो की वैल्यू ही सबसे ज़्यादा होती है दूसरे नंबरों से। और क्या आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर जीरो नाम का कोई नंबर इस दुनिया में होता ही नहीं तो फिर आज इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ें हैं और जितना भी इस दुनिया ने डेवलपमेंट किया है इन टेक्नोलॉजी को लेकर, वो सब नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब ऐसे चीज़ें होती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज में चलती है। हम इंसान जैसे लैंग्वेज को समझ पाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज को समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, या फिर कह सकते हैं नंबर होते हैं, जो कि होता है जीरो और वन। और अगर जीरो उनमें से नहीं होता तो फिर वो बाइनरी लैंग्वेज बनता ही नहीं। अगर बाइनरी लैंग्वेज नहीं बनता तो कंप्यूटर भी नहीं बनता, और अगर कंप्यूटर ही नहीं बनता तो कंप्यूटर के जैसे ही बाकी सब डिवाइसेस भी नहीं बनते। और मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ भी कंप्यूटर की जैसे ही होती है, और जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं वो नहीं बनते। और आज हम लोगों ने जितना डेवलपमेंट किया है वो हम लोग नहीं कर पाते, और हम पुराने ज़माने के लोगों की तरह रहते। और यही कारण था जीरो के इतना इम्पोर्टेंट होने का। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक कीजिए। और ट्रेन के पीछे एक्स क्यों बना हुआ रहता है वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, और अमेरिका क्रिकेट क्यों नहीं खेलता ये जानने के लिए राइट वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।